नमस्कार नमो नमः भवताम सर्वेशाम स्वागतम मम नाम कुसुम प्रसाद और आप सभी हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और अब आप अब तक आपको सभी को पता लग गया होगा कि हमारी ये कक्षा संस्कृत की है और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और हम बता देते हैं आज का जो ये पाठ है उसका शीर्षक क्या है तो आज का शीर्षक है व्यायाम सर्वदा पथ्य और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान यानी आज के हमारी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं मैम हैं डॉक्टर संगीता शर्मा मैम मैम आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार नमस्ते, नमस्ते। मैम है फैकल्टी ऑफ संस्कृत से जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से तो मैम आपको विस्तार से पार्ट के बारे में बताएंगी कि क्या कुछ है इस पार्ट में लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि आप किस तरह से इस सत्र से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी नोट डाउन कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर आप हमें फ़ोन नंबर के माध्यम से कॉल कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ पर और यदि आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं अपने फीडबैक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे भी नोट डाउन कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर और इस सत्र को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आपसे साझा करना चाहते हैं जी ट्वेंटी से रिलेटेड वी आर प्राउड दैट इंडिया ज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी कन्वीन द द लीडर्स समिट फॉर फर्स्ट टाइम इन दी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और इसी सकारात्मक विचार के साथ हम आज का ये सत्र शुरू करते हैं और हम रुक करते हैं संगीता मैम की तरफ मैम uh, uh, आज इस पाठ में uh, हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स क्या पढ़ने वाले हैं uh, आज का पाठ जो है वो व्यायाम की क्या महत्ता है hmm. उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ये क्लास दस का पाठ है संस्कृत का और ये हमें क्यों करना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त होता है इसका शास्त्रीय आधार क्या है ये जो पाठ है उससे संबंधित है जी तो आ, मैम सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछना चाहेंगे कि व्यायाम का क्या मतलब है और हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को ये क्यों समझना चाहिए इसके बारे में तो आ, आ, हम लोग इस पार्ट को कक्षा में पहले पढ़ चुके होंगे और जो बच्चे दसवीं क्लास में का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो वो लोग इस पार्ट को पढ़ चुके होंगे आने वाले बच्चे इस पार्ट को पढ़ेंगे आज के इस चर्चा में हम चर्चा इस बात पे करने वाले हैं कि व्यायाम जो है उसकी हमको कहाँ कहाँ पर आवश्यकता दिखती है और जैसा कि कुसुम जी ने पूछा कि व्यायाम होता क्या है तो जो ये जो आपके पास जो टेक्स्ट लगा हुआ है ये आयुर्वेद के कुछ इसमें श्लोक लगे हुए हैं आयुर्वेद क्या है वो अथर्ववेद का एक उपवेद है तो हमारे बच्चे जानते ही होंगे कि हमारे पास चार वेद हैं और उन चारों वेदों के कुछ उपवेद भी होते हैं वो किसी विषय विशे, विशेष से संबंधित होते हैं तो जो आपका आयुर्वेद है वो स्वास्थ्य इससे संबंधित है मतलब आपकी हेल्थ कैसे रहे क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए उस बारे में भी और उसके अलावा भी आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जैसे शल्य चिकित्सा है बहुत सारी चीजें जो कि स्ट्रेट अवे आपकी हेल्थ से रिलेटेड है जी व्यायाम शब्द को अगर हम समझना चाहें तो हम अगर स्क्रीन पर देखें तो हमारा जो पहला हम श्लोक देखते हैं वो सीधा सीधा हमें बताता है कि व्यायाम क्या है वो बोलता है कि शरीर शरीरा या सजननम कर्म व्यायाम संयतम तत्कृत्वा तू सुखम देहम विमर्दनीत समत मतलब व्यायाम वो उसे हम व्यायाम कहेंगे जहां पर हम शरीर को ना श्रम जहाँ पर शरीर को कष्ट दें इस प्रकार का इस कष्ट दें मतलब कि कष्ट मतलब पेन वाला कष्ट नहीं अपनी कंफर्ट लेवल से आगे बढ़कर जहाँ हम अपने शरीर से कार्य करवाते हैं उसको व्यायाम कहा जाएगा जिसमें हम शरीर जो है उसको मेहनत करवाएं और जिससे हमारा जो शरीर है उस सुख को प्राप्त करे जैसे कि हम बच्चे खासतौर पर जब खेलते हैं खेलने के लिए बहुत जिद भी करते हैं तो क्यों वो खेलने के लिए जिद करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है तो जो खेलना है वो भी कहीं ना कहीं व्यायाम का एक हिस्सा है तो ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें आपका जो शरीर है वो परिश्रम को प्राप्त होता है उसे व्यायाम की संज्ञा दी जाती है और वो जो ये व्यायाम है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए मतलब कि ये जो व्यायाम है वो केवल हाथ या पैर एक अंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए यहां पर लिखा है समन्तता चारों तरफ से विमर्दनीत चारों तरफ से उसका मर्दन होना चाहिए किसका आपके शरीर का तो मतलब ऐसे गेम या ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या या फिर योग जो योग में आसन का जो अभ्यास है वो सारी चीजें व्यायाम के अंदर ही इंगित होती हैं जी यानी शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है और मानसिक तौर पे भी हमें सुदृढ़ बनाता है बिल्कु, बिल्कुल बिल्कुल बनाता है और अभी तो ये भी सिद्ध हो चुका है कि जो लोग जब व्यायाम करते हैं तो उससे कुछ ऐसे हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे कि आप प्रसन्न महसूस करते हैं तो इसीलिए शायद छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है तो बच्चे इस कार्यक्रम को अपने अभिभावकों को दिखाकर कह सकते हैं कि देखिए हमारे लिए खेलना भी जरूरी है पढ़ने के साथ साथ बिल्कुल जी और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे की पीपीटी आगे की आप स्क्रीन पर देखेंगे तो क्या व्यायाम करता है उसके बारे में बता रहे हैं कि शरीरों गात्राणाम सुविभक्तता अनालस्यम अग्नि लाघव मृजा बोलते हैं कि जो शरीर है ना अगर आप इस तरीके से व्यायाम कर रहे हैं तो जो आपके शरीर के जो अंग हैं उनमें कांति आती है चमक आती है और सुविभक्तता मतलब कि वो गठ गठन को प्राप्त होते हैं मतलब जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहती हैं और ये जो पेट की आग होती है जिसको जठराग्नि बोलते हैं ये जठराग्नि बढ़ती है मतलब भूख लगती है तो हमारे पास ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो कि पढ़ाई के दबाव में और कई बार स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण मूवीज देखने के कारण नेटफ्लिक्स देखने के कारण भूख नहीं लगती है बच्चों को कारण क्या है कि उनका व्यायाम जो है वो कम हो रहा है उनकी जो शारीरिक क्रियाएं कम हो रही हैं जिसके कारण उनकी जो जठराग्नि है जो उनकी भूख है वो कम हो रही है तो वो वो भी देता है उसके बाद स्टेबिलिटी देता है तो स्टेबिलिटी केवल बॉडी की नहीं बॉडी की स्टेबिलिटी तो ऐसे हो जाएगी कि जब आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग हैं तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं खड़े हो सकते हैं सामान उठा सकते हैं आप मदद कर सकते हैं अपने आपके पेरेंट्स की अगर आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हैं और लागव मतलब कि लाइटनेस जो है ना वो प्राप्त होती है मतलब कि अगर आप खेलने आप देखते हैं ना खिलाड़ी जो होते हैं आप देखते हैं खिलाड़ी लोग कितने मतलब लाइट फील होता है hmm. और जो लोग थोड़े से आ, आलसी होते हैं आलसी लोगों में एक आपने बात देखी होगी उनको अपना शरीर भारी लगता है और उनको कोई भी काम के लिए कहा जाए तो उन्हें आलस और आता है तो ये जो लाघव है ये जो हमको व्यायाम ही प्रदान करता है जी और आजकल हम देख भी रहे हैं कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा कुछ ज्यादा ही हर आयु वर्ग में देखा जा रहा है और बच्चों में भी देखा जा रहा है तो ये तो विशेष तौर पर हमारे बच्चों को देखना चाहिए कि व्यायाम हमारे लिए क्यों लाभदायक है लाभदायक है और ना केवल बच्चों शरीर के लिए अपितु तो उससे जो निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं वो आपके दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं अगर आप सारे दिन केवल स्क्रीन पर टीवी देख रहे हैं या फिर केवल और केवल सारे दिन पढ़ रहे हैं तो उससे भी क्योंकि बच्चे दसवीं क्लास के बच्चे बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं तो उनकी मसल्स का उनके शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा तो खेलना भी पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी है और मैं खेलना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के लिए व्यायाम में खेलना सबसे महत्वपूर्ण और पिन पॉइंटेड चीज होती है जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप जिम योग और इस तरह की स्विमिंग आदि प्रक्रियाएं करते हैं लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आप ज्यादातर आपके लिए व्यायाम जो है वो खेलना ही होता है और अगर आप आगे स्क्रीन पर देखें तीसरा श्लोक अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि और क्या क्या होता है अगर आप व्यायाम करते हैं तो क्या बोलते हैं बोलते हैं श्रमक श्रम क्ल अपिपासो आश्रमक कलमम पिपासो, पिपासो उष्ण शीता दिना, शीता दिनां शयष्णता आरोग्यम चापी परमम व्यायाम व्यायाम उपजायते व्यायाम से क्या-क्या उत्पन्न होता है तो आपके शरीर में ना जो जैसे आप हार्ड वर्क करते हैं कभी आपने कुछ ज्यादा आपने कठिनता से कुछ कर लिया उसको सहने की ताकत आती है उसके अलावा आपको अधिक प्यास लग रहा हो आपको अधिक भूख लगती है आपको अधिक ठंड लगती है आपको अधिक गर्मी लगती है इन सारी चीजों को सहने की जो शक्ति है ना वो व्यायाम देते हैं सहिष्णुता क्या का अर्थ है कि अगर आपके पास आपके मन पसंद स्थिति नहीं है आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि आप जिसे आप सहना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि ये जो जो परिस्थिति है वो आपके हिसाब से भारी है व्यायाम आपको वो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके बाद आरोग्यम जो आपको क्या प्राप्त होता है नरोग्यम मतलब आपका शरीर को बीमारी जो है उससे भी दूर रखता है व्यायाम और ये सारी चीजें जो है वो आपको व्यायाम से प्राप्त होती हैं जब तो चाहे आप किसी भी खेल को ले लीजिए जो आप स्कूल में खेलते हैं चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो हमारे टाइम पर पाली हुआ करता था और खो खो हुआ करता था कबड्डी हुआ करता था जब हम स्कूल में होते थे और भी ऐसे जो खेल हैं जो जिन्हें व्यायाम की संज्ञा दी जाती है जी। ये बच्चे ध्यान रखें कि कैरम बोर्ड या सांप सीढ़ी इस तरीके के खेल को हम व्यायाम में नहीं शामिल करेंगे उन्हीं खेलों को व्यायाम कहा जाएगा जिसमें आपके शरीर की ऊर्जा मैक्सिमम लगे जहाँ पर आपके शरीर में जितने भी अंग हैं उनसे पसीना निकले जब आपको लगे कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको पसीना आ रहा है आप, आपको थकावट हो रही है उसको आप व्यायाम की संज्ञा जी और मैम व्यायाम के फायदे बहुत सारे हैं जी तो और वो जो हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमने वैसे काफी कुछ जिक्र कर दिया लेकिन इसके इतने सारे फायदे हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं जो आजकल बहुत सारी समस्या आ एक तो मोटापा लिया हमने और नींद ना आने की समस्या भी होती बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल जी भूख ना लगना तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके और हाँ और, हा, और बच्चों में अगर हम देखते हैं तो बच्चों में आजकल मोटापा है जी क्योंकि ये ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बच्चों में अगर मोटापा बच्चा तो वैसे ही उनके अंदर जो तत्व होता है वो हमेशा खेलने कूदने वाला तत्व होता है ऐसी स्थिति में अगर बच्चों के अंदर मोटापा है तो क्या किया जाए हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हो जिनके दोस्तों या भाई बहनों के अंदर स्थूलता दिखती हो मोटापा दिखता हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं तो उनको आप प्रेरित कर सकते हैं कि वो शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलित हो चाहे वो शारीरिक गतिविधियां आपके स्कूल में होती हों चाहे मोहल्ले में होती हो चाहे आपके जो पास में पार्क हो उसमें होती हो उसमें सम्मिलित हो और जो आपने मोटापे की बात की अगर आप चौथा श्लोक देखेंगे स्क्रीन पर आप सभी को दिख भी रहा होगा कि चौथे श्लोक में क्या कहा गया है सदृशम तेन किंचित स्थौलपकर्षण मतलब कि जो उससे ना व्यायाम करने से जो व्यायाम करने वाला होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोटापन भारीपन नहीं आता है ये ये व्यायाम की खासियत है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो इससे आपका जो शरीर है वो आ, हमेशा उतना ही आपके शरीर में मांस रहेगा या उतना ही आपके शरीर में अतिरिक्त स्थूलता रहेगी जितनी आपके शरीर को आवश्यक है ऐसा नहीं है कि आप अगर ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं तो आपका शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा इस तरीके का शास्त्र में बात नहीं की गई और कब करना चाहिए कितना करना चाहिए उस बारे में भी आ, आयुर्वेद में और इस पाठ में कुछ जो श्लोक है उनमें चर्चा की गई है मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास में इस पाठ को लगाने का उद्देश्य बिल्कुल यही रहा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो व्यायाम की आवश्यकता महत्ता को समझें और अपने जीवन में इसका अंगीकार करें जी और आज के टाइम में तो इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है बिल्कुल जिस तरह से हम बहुत सारी समस्याएं भी देख रहे हैं मानसिक शारीरिक रूप से बहुत सारी समस्याएं हमारे समक्ष आ जाती हैं और जिससे हम भली भाती परिचित भी हैं बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चों में हम लोग बहुत कम एज में हम लोग बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं जैसे हम हार्ट अटैक बहुत यंग एज में अब लोगों को होने लगा है और डायबिटीज लोगों में बहुत पहले के कंपैरेटिवली आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा होती है और, और, और... मानसिक परेशानियां भी हैं जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई का वो पढ़ाई को रोचक ना मान के एक प्रेशर के रूप में लेते हैं और और ये जो ये जो एक्टिविटी है ना फिजिकल एक्टिविटी जिन्हें जिन्हें शास्त्र व्यायाम का नाम देता है ये आपके शरीर में जब आप, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके मेंटल बैलेंस को स्टेबल करने में भी मदद करता है उनका जो तनाव है या उनके उनके ऊपर जो प्रेशर है कि एग्जाम में अच्छा करना है या भविष्य में क्या करना है अगर hmm. ये सिचुएशन भी है ये भी उनको बड़ा फायदा देता okay. है उसका कारण है कि जब कभी हम खेलते हैं या जब कभी हम अपने शरीर को किसी कार्य में लगाते हैं तो हमारा जो सारा ध्यान है वो हमारी गतिविधि में चला जाता है और जब हम गतिविधि में होते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो हमारी जो मानसिक चिंता तनाव या जो भी हम सोच रहे हैं उससे हमारा दिमाग हट जाता है और जैसे ही ये सिचुएशन आती है वैसे ही आपके मन को आपके दिमाग को थोड़ा टाइम मिलता है जिससे कि आप अपने मन को शांत कर सकें। तो आगे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आगे की श्लोक में भी यही बात की गई है कि न चैनम सहसा क्रम्य जरा समीरो स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरत्य बोलते हैं कि ये जो जो आपका व्यायाम है इससे ना बुढ़ापा एक तो नहीं आता है नहीं ना और ऐसा नहीं होता है कि आप जो लोग एक्सरसाइज करते हैं हम सभी भी जानते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों को वो लोग कंपैरेटिवली यंग दिखते हैं यंग क्यों दिखते हैं तो अब प्रश्न ये आता है कि यंग दिखना क्या होता है सर्टेन तरीके के कपड़े पहन लेना या हुँ। हुँ। सर्टेन तरीके के लुक को कैरी करने से आप यंग दिखते यं। हैं नहीं आप यंग दिखते हैं कि आपकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं आप यंग दिखते हैं क्योंकि आप काम को करने के लिए आपके अंदर जो भाव है वो अभी भी है

जल्दी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं करता है और उसके अलावा स्त्री भवती मासम स्त्री भवती मासम मतलब जो उसका मास है उसका मसल है वो स्थिर हो जाता है स्टेबल हो जाता है अब ये बहुत बड़ी बात है कुसुम जी कि ये बातें बहुत साल पहले देखी जा चुकी हैं समझी जा चुकी, चुकी हैं और लिखी जा चुकी हैं मतलब ये वो चीजें हैं जिन्हें हम आज बच्चों के लिए तो ये चीजें नहीं है नहीं। उनको लगता है, कि स्कूल है, ये बड़ा लगता है कि व्यायाम की महत्ता हमारे पूर्वज भी समझते थे और वो पूर्वज नहीं है कि दो सौ साल पुराने पूर्वज दो हजार तीन हजार, हजार साल पुराने पूर्वजों की बात हो रही है जो ये मान रहे हैं कि व्यायाम करना कितना आवश्यक है और उसके जो आउटकम अगर आप श्लोक में देखेंगे तो वो सारे आउटकम ऐसे हैं जो कि वास्तविक तौर पर एक मनुष्य अभी भी महसूस कर सकता है जैसे स्त्री भवती मासम है मा, मतलब कि व्यायाम आप कंटिन्यू अगर करते रहते हैं तो जो आपका मास है आपका जो मसल है वो स्थिर स्टेबल हो जाता है अब अगर आपकी मसल स्टेबल हैं तो बच्चे जानते हैं कि अगर जिनकी मसल स्ट्रांग है उनमें ऊर्जा स्वतः ही होगी काम करने की जो इच्छा है वो स्वतः ही होगी और वो बड़ा ही अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे हमेशा वो जागरूक अवस्था में रहेंगे जैसे आपके टीचर्स बोलते होंगे कभी कि आप इतने लिथार्जित क्यों हो रहे हैं इतना थके थके क्यों दिख रहे हैं ये भाव जो है ना वो भी उन बच्चों में नहीं दिखाई देगा जी। और आगे भी एक बड़ा सुंदर यहाँ पर एक प्रयोग है आ, ये जो है अः अगर आप छठे श्लोक की दूसरी लाइन में देखते हैं व्याधयो नोप नोप सरपंती वैन व उरगा तो ये जो उरगा और ये ये जो इनका प्रयोग है ये जो ना इसका एक प्रयोग क्या इसके पीछे कथा है कथा ये कि ये जो गरुण जो है और ये जो सर्प हैं ये इनकी जो संताने हैं ये भाई हैं वैसे एक ही अच्छा। एक ही ऋषि के पुत्र हैं लेकिन इनमें आपस में लड़ाइयां चलती रहती थी और जो गरुण है वैनते जो है वो गरुण के परिवार को कहा गया है वो बड़े स्ट्रांग होते थे और जो सर्प थे उरग मतलब जो जो सर्प थे वो उनसे कमजोर पड़ जाते थे तो बोलते हैं कि अगर कोई स्ट्रांग होकर आ, मतलब आ, अगर जैसे व्या ये जो ऊपर की लाइन में हम देखते हैं व्यायाम व्या, व्यायाम स्विन अगर कोई ना पसीना निकाल कर शरीर में पसीना निकालने वाला अगर व्यायाम कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है तो उससे क्या होगा और, और वो निकलेगा कैसे पदभ्याम व नरम मतलब पैरों को ऊपर उठाकर मनुष्य पैरों को ऊपर उठाकर इस प्रकार का व्यायाम कर रहा है और उससे पसीना निकल रहा है तो उसकी कैसी सिचुएशन हो जाएगी ऐसी सिचुएशन उसके पास भी नहीं आएगा शत्रु जो है वो उसके पास भी नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो सर्प है उनको शत्रुओं की संज्ञा दी गई है और जो वैनिक हैं उनको आ, उनके पॉजिटिव सेंस में उनको बताया गया है तो उन्होंने क्या बताया कि अब ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग है पैर ऊपर उठाने की एक्सरसाइज से आपका जो पेट है वो स्ट्रांग रहता है और आपकी कोर मसल स्ट्रांग रहती है तो अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग है तो आपका रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होगी आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है तो ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो तो सब वहीं से उत्पन्न होती हैं चाहे आप डायबिटीज को देख लीजिए चाहे आप दिल से संबंधित बीमारियों को देख लीजिए दिल से संबंधित बीमारी सिर्फ दिल से संबंधित नहीं होती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें से एक कारण होता है आप शरीर की जरूरत के अनुसार गतिविधियां नहीं कर रहे हैं अगर आप छोटी उम्र से ही शरीर के अनुसार गतिविधियां करेंगे तो आपको दिल से संबंधित बीमारियां भी नहीं होंगी क्योंकि तनाव भी नहीं होगा और आपका शरीर जो है वो जरूरत के अनुसार काम को कर रहा है तो ये जो छठा श्लोक है वो यही बता रहा है कि जिस प्रकार से गरुण की संतानें हमेशा सर्प की संतानों के समक्ष वैसे ही आप अगर व्यायाम करते हैं इस प्रकार का व्यायाम जो पैरों को उठाकर आपकी कोर मसल को स्ट्रांग करने वाला व्यायाम है तो आपके सामने भी जो आपके शत्रु हैं शत्रु मतलब आपकी बीमारियां या जो भी व्यायाम ना करने से समस्याएं होती हैं वो वो भी आपसे उसी तरीके से हारेंगी आपके पास भी नहीं आएंगी नो पर सरपंती आपके पास भी नहीं आएंगी उसके बाद इसी छठे उसमें आगे बोलते हैं वयोरूप गुणरहीनम हीनम अपनी सुदर्शनम बोलते हैं कि जो ना रूप से हीन है आयु से हीन है गुण से हीन है मतलब जिसमें ना तो रूप है ना जो कि उम्र में भी जिसकी उम्र बढ़ गई है इससे पता है क्या पता लगता है कि ना केवल यंग एज जबकि अगर आपकी एज बड़ी है आप अगर बड़ी उम्र के हैं अगर आप वो उससे भी हीन है और अगर आप कर रहे हैं ऐसे आसन और एक्सरसाइज तो क्या है कि आप जो है ना वो सुदर्शन हो जाएंगे सुदर्शन मतलब देखने में अच्छे हो जाएंगे आपका शरीर जो है वो आप मानसल हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ इस छठे श्लोक से ये भी पता चलता है कि व्यायाम जो है वो केवल हमारे बच्चों के लिए नहीं बच्चों के अभिभावकों के लिए भी है उनके पेरेंट्स के लिए भी है और उसके बाद सातवा अगर आप श्लोक देखते हैं तो वो बताता है आपको कि व्यायाम नित्यम विरुद्धम अपनी भोजनम तो जो व्यायाम करने वाला है ना जो नित्य व्यायाम करता है एक दिन नहीं नित्य व्यायाम करने की इम्पोर्टेंस बताई है उसको अगर विरुद्ध भोजन भी करता है विदग्धम hmm. होगा वो निर्दोष होकर पक जाता है hmm. मतलब बिना दोष उसका जो दोष है आउटकम hmm. है वो बॉडी को नहीं लगता hmm. तो ये तो है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उनको बीमारियां जो है या उनको जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है उनको भूख बराबर लगती है और अगर हम आठवें श्लोक में देखेंगे तो बोलते हैं व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम सच शीते वसंते चेषा पथ्यतम स्मृत तो ये जो व्यायाम करने वाले लोग हैं ना वो हमेशा स्निग्ध भोजन खाएं और हमेशा व्यायाम को करना चाहिए चाहे तो शीत का मौसम हो चाहे वसंत का हो हमेशा जो भोजन है वो अच्छा भोजन आ, बासा रखा हुआ नहीं अच्छा जो भोजन है पूर्ण भोजन है उसे खाना चाहिए अच्छे भोजन से सीधा सीधा मतलब है कि बर्गर पिज्जा खाते हुए व्यायाम ना करने की सलाह दी गई है हालांकि उस समय पर बर्गर नहीं होते होंगे भाव यही है और इसी तरीके से अगर आप नौवे दसवें और ग्यारहवें उसमें देखते हैं श्लोक में अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं कि रोज रोज व्यायाम करने से जो व्यक्ति है ना वो अपने हित के लिए जो अपना हित चाहता है कुंभेरात्म हितेश जो लिखा है ना मतलब जो अपना हित जो पुरुष अपना हित चाहता है उसको सर्वेशु ऋतुषु सारी ऋतुओं में हर दिन प्रत्येक hmm. दिन व्यायाम करना चाहिए और अपने बल से आधे व्यायाम को करना चाहिए उससे उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तो ये भी नहीं बोला गया है कि आप एक्सरसाइज अपने फुल मूड में कर दीजिए और उसके बाद आपके पास करने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं है आपकी जितनी ताकत है आपकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता से आधा भी व्यायाम करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी ऐसा व्यायाम आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देता है और अगर आप और 11वें श्लोक में देखेंगे तो दसवा श्लोक बड़ा अच्छा है वो कहते हैं कि कि पता कैसे चलेगा हमने हमने आधा वाला कर लिया हम हमने सही व्यायाम कर लिया पता कैसे चलेगा तो बोलते हैं हृदय स्थान स्थितो वायु प्रपद्यते जब हृदय स्थान में जो वायु है ना जब वो मुंह तक आ जाए तो इस प्रकार का जो व्यायाम है वो क्या कहलाएगा कि वो बलार्धस्य लक्षणम ये जो है वो है, मतलब आधे बल का लक्षण है मतलब अगर बच्चों को भगाया जाए क्रिकेट खेला जाए तो सांस जो ऊपर चढ़ जाती है यही इसका भाव है हृदय स्थान स्थितो यदा वक्त प्रपद्यते और आखिरी अगर आप देखेंगे तो बोलते हैं वयो बल शरीर देश कालश देश कालशा व्यायाम अन्यथा रोगम याद। बोलते हैं अपने शरीर उम्र को देखते हुए और देश काल को देखते हुए समझते हुए समीक्षा मतलब समीक्षा करते हुए जब व्यायाम को किया जाता है इस प्रकार के व्यायाम को ध्यान में रखकर अगर किया जाता है ऐसा व्यायाम आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं देता है जी तो इस प्रकार से ये जो पाठ है वो व्यायाम को समर्पित है व्यायाम को समर्पित हो उसमें इतने सारे फायदे बताए हैं व्यायाम करने के कि बहुत ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के लिए इसके बारे में जानना जी और आज आप मैम यहाँ आया और हमने आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम धन्यवाद धन्यवाद और स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जी से रिलेटेड We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the, for the, for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और इसी के साथ हमारा आज का ये संस्कृत का सत्र संपन्न होता है लेकिन हम आपको बता दें अभी बहुत सारे सत्र और भी हैं अगला सत्र है हमारा मैथमेटिक्स का कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए तो आप जरूर जुड़िए इससे और मैथ्स को जानिए अपने चैप्टर को जानिए और हमें दीजिए इजाजत नमस्कार